हेलो दोस्तों, अभी हमारे पास जैसे कि अभी हम मशीन बेच रहे हैं, तो अभी हमारे पास जो बहुत डाउट आ रहा है वो आ रहा है कि सर टेफ्लोन शीट कैसे इस्तेमाल करनी है। ये टेफ्लोन शीट शायद आपको हमारी तरफ से मिला होगा, ब्राउन कलर का टेफ्लोन शीट। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसका क्या फ़ायदा है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे आप देखिए, वाइट कलर की टी शर्ट है, सरीना टी शर्ट है, इसको मैं डाल रहा हूँ। सबसे ज़्यादा वाइट पर ही दिखता है कि अगर कोई भी मिसप्रिंट हुआ है। ये मैंने टी शर्ट रखा, थोड़ा सा इस पर हीट दिया मैंने, इस पर आयनिंग होगी, इससे रिंकल्स वगैरह जो है हमारे वो ख़त्म हो जाते हैं। ये प्रिंट मैंने लिया है, ठीक है, ये प्रिंट के इसके ऊपर मैंने लगाया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस टेफ्लोन शीट का इस्तेमाल करना है। इस एक टेफ्लोन शीट ये आती है ब्राउन कलर की, एक टेफ्लोन शीट ये जैसी इसमें मशीन में लगी हुई है वाइट कलर की, वो आती है। तो उसमें इसमें डिफरेंस मैं बता देता हूँ। अभी मैंने ये लगा दिया और मैंने इस मशीन को डाउन कर दिया, वहाँ पर हमारा काउंट डाउन स्टार्ट हो गया है। अब उससे क्या होगा, वाइट वाली जब टेफ्लोन शीट आप लगाते थे तो उससे प्रॉब्लम ये आती थी कि जो पेपर का प्रिंट है, सपोज़ करो मैंने ये पेपर प्रिंट कराया है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पेपर सपोज़ करो मैंने प्रिंट कराया, तो ये वाला प्रिंट वाइट टेफ्लोन शीट के ऊपर आ जाता था, और जब आप नेक्स्ट टी शर्ट प्रिंट करते तो आपका ये प्रिंट उस टी शर्ट पर दोबारा आ जाता, तो दो दो प्रिंट आपके हो जाते, जो कि मिस प्रिंट में आता है, जो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। क्लाइंट्स काफ़ी बार बोलता है कि सर ये डबल डबल प्रिंट आ रहा है तो उसमें प्रॉब्लम है। तो उसका सॉल्यूशन हमने निकाला है कि हमने ब्राउन कलर की टेफ्लोन शीट का इनोवेशन किया है, कि हमारी अभी इम्पोर्ट हुई है, नया स्टॉक में आया हुआ है हमारे पास ये भी, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी टेफ्लोन शीट का इस्तेमाल किस तरीके से आपने करना है। मैंने आपको बताया टेफ्लोन शीट किस तरीके, ये मशीन बीप हुई, ये मैंने उठा ली, और ये मैंने इस तरीके से टेफ्लोन शीट है, ये टेफ्लोन शीट हमारी इस्तेमाल होगी। इससे क्या होगा, हमारी यहाँ पर प्रिंटिंग नहीं आएगी। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी प्रिंटिंग हमारी नहीं आई है, ठीक है, और हमारे टी शर्ट पर भी कोई भी मिस प्रिंट नहीं होता। ये देख सकते हो आप, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी आई है। आप अगर आप नेक्स्ट टी शर्ट प्रिंट करोगे, मैं नेक्स्ट टी शर्ट इसके ऊपर रख देता हूँ, जैसे मैंने अभी नेक्स्ट टी शर्ट रखी इसके ऊपर, ये मैं रख देता हूँ नेक्स्ट टी शर्ट यहाँ पे ऐसे दोबारा, ठीक है। ये मैंने सीधी करी टी शर्ट, थोड़ी सी आयनिंग दी मैंने इसके ऊपर, ठीक है, नया प्रिंट लिया मैंने और नया प्रिंट रख दिया मैंने इस तरीके से, बीचों बीच नया प्रिंट आपने रखना है। फिर आपने क्या करना है, टेफ्लोन शीट उठानी है, ठीक है, और दोबारा रख दिया मैंने टेफ्लोन शीट ऐसे, और ये मैंने कर दिया डाउन। अभी हम देखते हैं 50 सेकंड के अंदर हमें पता चल जाएगा जो ब्राउन कलर की हमारी टेफ्लोन शीट है उस पर जो ऑलरेडी थोड़ा सा प्रिंट आया था वो क्या दोबारा टी शर्ट पे आता है या नहीं आता है। वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती थी वो व्हाइट कलर की टेफ्लोन शीट पर आती थी, लोग व्हाइट कलर की टेफ्लोन शीट बेचते थे। मेरा ये मानना है व्हाइट कलर की आप टेफ्लोन शीट ना लें, उसका रीज़न ये है, व्हाइट कलर की टेफ्लोन शीट तो ऑलरेडी आपकी मशीन में आई हुई है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा मशीन उठा के जैसे काउंटडाउन खत्म होगा कि व्हाइट कलर की टेफ्लोन शीट ऑलरेडी मशीन में आती है, अटैच्ड आती है, तो उसका फ़ायदा नहीं है। आप एक एडिशनल भी लोगे तो सजेस्ट करता हूँ कि आप ब्राउन कलर की जो टेफ्लोन शीट है उसको लीजिए। उसका फ़ायदा ये रहता है कि आपका मिसप्रिंट नहीं होता, डबल प्रिंट वगैरह नहीं आता। अभी हमारा काउंटडाउन 2 सेकंड का बचा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने मशीन उठा दी, ठीक है, ये पेपर मैंने साइड में कर दिया, और ये हमारी टेफ्लोन शीट है, बिल्कुल गर्म हो जाती है काफ़ी, ठीक है। इस पर भी हमारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रिंटिंग ये देखिए कितनी बेहतरीन प्रिंटिंग हुई है, बिल्कुल एक एक कलर निखर के आया है। तो इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप ब्राउन कलर की टेफ्लोन शीट का इस्तेमाल करें, वाइट टेफ्लोन शीट का इस्तेमाल ना करें। अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे देखिए, ये वाइट कलर की हमारी टेफ्लोन शीट लगी हुई है, तो इसकी एडिशनल टेफ्लोन शीट ना लें जो वाइट कलर की है। आप क्या नाम है, ब्राउन कलर की टेफ्लोन शीट को लीजिए, सब्लिमेशन प्रिंटिंग करते वक्त वही सबसे अच्छी काम आएगी आपकी।